वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस चुनाव में अभी तारीफ कर रहे थे सीईसी आपके कामकाज की कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया जी। तो क्या खास अचीवमेंट रहा ब्लैक मनी के यूज़ को रोकने के लिए इस चुनाव में? देखिए, हम लोगों ने जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए लगभग 800 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पूरे देश में लगाए गए थे, जिससे कि वो एक्सपेंडिचर को एक ढंग से कंट्रोल कर सके और जहाँ पर भी ब्लैक मनी इसका यूज़ हो रहा है उसको पकड़ा जा सके। तो 800 हमने लोगों ने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगाए और इसके अलावा जो वीडियो हमारी टीम्स हैं वो लगी, स्टैटिक टीम्स लगी एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स। इस बार हम लोगों ने एक सी विजिल, एक हमारा ऐप है, उसको भी यूज़ किया कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है कि ब्लैक मनी यूज़ हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है, तो वो उसको अपने आप खींच के उसको अपलोड करके हमारे कंट्रोल रूम में भेज दे। लगभग 3000 इस तरह की हमारे पास शिकायतें आईं और उनको हमने फौरन ही उस पर कार्य करना शुरू किया। इसके हिसाब से, जो कि हमारी टीम बहुत एक्टिव थी, उसके हिसाब से लगभग इस वर्ष 3500 करोड़ कैश, लिकर, गोल्ड, फ्रीबीज और नारकोटिक्स को सीज किया गया। मच हायर देन द प्रीवियस इलेक्शन। प्रीवियस इलेक्शन में तो कुल 1200 करोड़ का सीजर था, इसलिए लगभग ये 3 गुना हैं जो इस बार सीजर किया गया है। और अगर हम खाली कैश को ही लें तो 2014 में कुल 303 करोड़ का कैश पकड़ा गया था, जो इस साल बढ़कर 8845 करोड़ के लगभग हो गया, वो भी लगभग 3 गुना है। तो हमारी जो जब्ती हुई है वो लगभग 3 गुनी है पिछले इलेक्शंस के मुताबिक, पिछले मुख्यमंत्री की अपेक्षा। आप तो सीबीडीटी चेयरमैन रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन कैसा रहा है सारे प्रोसेस में? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने बहुत अच्छी तरीके से इसमें रोप इन किया और हर जगह हमने इनकम टैक्स के लोगों को लगाया। इन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के अलावा हमने 4 स्पेशल ऑब्जर्वर्स लगाए एक्सपेंडिचर के, और वो भी एक काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए इस डिपार्टमेंट से। एक हमारे यहाँ की DG मधु महाजन थी, उनको हमने कर्नाटक एंड तमिलनाडु में लगाया। एक हमारे मेंबर जो रिटायर हुए इन्वेस्टिगेशन के, मिस्टर गोपाल मुखर्जी, उनको हमने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में लगाया। एक हमारे और DG जो रिटायर हुए थे, शैलेंद्र हांडा जी, उनको हमने बॉम्बे, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए लगाया। और एक हमारे एक और DG थे, उनको हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाया। तो ये 4 जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स जो डिपार्टमेंट के रिटायर हुए थे, जिनको इन्वेस्टिगेशन का बहुत अच्छा ज्ञान था, उनको हमने एज ए स्पेशल ऑब्जर्वर पहली बार इस कमीशन ने स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के रूप में लगाया, जो कि डिफरेंट एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। खाली यही नहीं कि सीविल के आधार पर काम कर रहे हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी हैं उनके साथ में लोगों ने मिलकर काम किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी लोकल पुलिस से हेल्प ली, CS से बात किया, DG पुलिस से बात किया, और जहाँ भी किसी के नॉलेज में आया कि खर्चा गलत तरीके से हो रहा है या कहीं ब्लैक मनी है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से इसको पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के कुछ सहयोगियों पे, स्टाफ पे कुछ रेड्स में चुनाव के दौरान जी, उसको किस ढंग से देखते हैं चुनाव के दौरान नॉर्मली ऐसा करते हैं? आयकर विभाग की अपनी पूरी जानकारी थी, जिसको कि आयकर विभाग ने इसमें सर्च किया और सर्च करने के बाद उन लोगों ने, हम लोगों के पास भी एक रिपोर्ट भेजी है कि ये इसमें क्या है। वी हैव सेंट इट टू द CBI फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शंस इन टू दिस रिगार्ड फ्रॉम द DOPT टू द CBI। तो आगे रिपोर्टिंग तो CBI और IT का, IT डिपार्टमेंट का अपना कार्य है, कमीशन डिपार्टमेंट no अपना काम करेगा उसके ऊपर। लेकिन इनकम, लेकिन ECI में भी जो हम लोगों के पास मालूम पड़ा है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा खर्चा दिखाया है, जो हमें इसके रिपोर्ट के थ्रू मालूम किया। क्योंकि देखिए, जो एक असेंबली इलेक्शन है उसकी लिमिट है 28 लाख रुपया, और जो PC है उसकी लिमिट है 70 लाख रुपया, और इन कैंडिडेट को अपना हिसाब किताब हम लोगों को देना होता है। तो हम लोगों ने पाया कि थ्रू दैट रिपोर्ट कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा रुपया लिया है जो दिखाया नहीं गया है, जो लास्ट ईयर के MLA हैं। उन 2 MLA को अभी विभाग, अभी जो ECI है वो नोटिस दे चुका है और बाकी लोगों की जांच जारी है। जिस जिस तरह से एविडेंस विभाग हमें, आयकर विभाग देगा, और अगर की कार्यवाही उसमें की जाएगी, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर उनके अकाउंट सही नहीं पाए जाते हैं या उनका जवाब सही नहीं आता है। इलेक्शन बॉन्ड्स का एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा, कैसा रहा इस चीज़ का? इलेक्शन बॉन्ड्स डेफिनेटली दिस वॉज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि क्लीन मनी इस इलेक्शन एक्सपेंडिचर में खर्च हो सके। तो हर पार्टीज ने इलेक्शन बॉन्ड खरीदे हैं, बिकॉज दे वर टू बी परचेज बाई अकाउंट पे चेक्स। एंड इसी तरीके से जो साफ मनी है, क्लीन मनी है, जो कि रोकने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया, तो वो लोग खरीदे हैं वो बॉन्ड, और विभाग और ECI ने
उसको 30 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सारी पार्टियों से कहा है कि कितनी पार्टी ने किस पार्टी ने कितने बॉन्ड खरीदे हैं उसका हमें हिसाब किताब दें सो दैट हम उसको आगे से उसकी जांच कर सकें। और क्या नया रिफॉर्म करने जा रहे हैं अभी आने वाले दिनों में? देखिए जो इलेक्शन कमीशन है हर इलेक्शन से कुछ ना कुछ सीखता है। इस बार इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किए गए और हर चीज़ पर ध्यान रखा गया कि हम किस तरह से वोटर्स को और रुझाएं और के अपने वोट डालने आएँ। इस बार का जो हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा है 67.5% के करीब वोटिंग रहा है जो कि लास्ट इलेक्शन के मुकाबले करीब 1.5% अधिक है। इसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि हमारा टर्नआउट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार हों वोट डालने की प्रक्रिया में, क्योंकि लगभग 90 करोड़ वोटर हैं हम लोगों के यहाँ, तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपना इस मतदान का प्रयोग करें। और इसके लिए जो भी हमारी कमियां हैं, हमने बहुत स्वीप का प्रोग्राम किया, सबको अवेयरनेस डेवलप की। इसके बावजूद भी अब जो हमारे हम लोगों ने 8 ग्रुप बनाए हैं अभी ECI में, जो कि हम हर चीज़ में जहाँ जहाँ कभी कोई कमी रही है या उसको और कैसे इम्प्रूव करें उस पर अपना चर्चा करेंगे बैठ के, जिससे कि लोगों का वेटिंग टाइम कम खर्च हो, क्यों ना लगानी पड़े, और हर व्यक्ति जो 18 साल प्राप्त कर ले जिसके उम्र हो उसको हम फॉरेन वोटर कार्ड दे सकें सो दैट वो अपने इलेक्शन में एकदम आके अपना मतदान का प्रयोग कर सके। और कहीं पर भी जहाँ शिकायतें मिली हैं कि कहीं पर वोटर्स कट गए हैं या कहीं पर भी वोटर डुप्लीकेट हो गए हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया है इस बार, कि कहीं पर भी डबल वोटिंग है, डबल वोटर है, उसको हम एक को एलिमिनेट करेंगे एज़ पर द लॉ, और एक सही और प्योर इलेक्टोरल रोल्स बनाने की प्रक्रिया हमारी रहेगी सो दैट हम अगले इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार हों। और जितनी भी कमियां रही हों, हालांकि हमने पूरी तरह से कोशिश की कि हर चीज़ का उसमें अच्छा हो, लेकिन एक हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने की हमेशा एक आवश्यकता रहती है, और आप लोगों से और स्टेक होल्डर्स के माध्यम से जो जो सामने आएगा उसको हम आप भली भांति आगे से इसको और पूरा करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस इन दिस एरिया? डेफिनेटली वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से काम किया और हमारे सारे अधिकारियों ने काम किया है 24/7, हमारे जो भी ये डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स और सीनियर इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सारी जो मशीनरी हमारे साथ थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, रेलवेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दे हैव ऑल हेल्प्ड अस एंड दिस वाज अ गुड इलेक्शन विच वी विल से, एंड अल्टीमेटली इट इज़ द पीपल्स मैंडेट एंड इट इज़ द पीपल्स फीडबैक which will give us a final rating as to how these elections were confirmed, were done. लेकिन हमारा जो टर्नआउट बढ़ा उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं कि लास्ट इलेक्शन के मुकाबले टर्नआउट बढ़ा और आगे से इसको और भी बढ़ाने का प्रयत्न जारी रहेगा। ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो नाइस।